अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी पार्टी मेकअप लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत मेकअप है और बहुत आसानी से आप इसको घर में खुद कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये मेकअप आप खुद कर सकती हैं। तो चलिए हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं अपने फेस पर लगाऊंगी प्राइमर। मेरे पास YC प्राइमर है, ये मैंने अपने फेस पर लगा लिया है और अब मैं इसको अपने हैंड की मदद से अच्छी तरह से अपने फुल फेस पे अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ। इससे हमारे ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं और ये हमारा मेकअप इससे बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत खूबसूरत मेकअप होता है। तो अब मैं आईब्रो फिलिंग करूँगी। मैं आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर के साथ। अगर आपके आईब्रो बहुत कम हैं तो आप ब्लैक एंड ब्राउन दोनों कलर को मिक्सअप करके अपने आईब्रो को फिल करें। मैं बिल्कुल नेचुरल ही रखूंगी। सेम इसी तरह मैं दूसरे आईब्रो को भी फिल कर लूंगी। अब मैं स्टूली ब्रश की मदद से अपने आईब्रो को अच्छी तरह से सेट कर लूंगी। अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। मेरे पास मिस रोज़ का फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है और बहुत आसानी से हमारी स्किन पे अप्लाई हो जाता है और मैं इसको ब्लेंडिंग सॉफ्ट ब्रश के साथ अपने फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और मैं इसको बिल्कुल नेचुरल ही रखूँगी। मैं इतना ब्लेंड करूँगी कि ये बिल्कुल नेचुरल लगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो इसको मैंने अच्छी तरह से अपने फुल फेस पे अप्लाई करना है, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंडिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही कम मिकदार में ले कर अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे हमारा फेस ग्लो करेगा और हमारी फेस इससे फटती नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लगेगी। अब मैं अपने आईज़ का मेकअप स्टार्ट करूंगी। इसके लिए मैंने लिया है सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश और क्रीज एरिया पे मैंने बहुत ही कम पिस्ता शेड लगा रही हूँ, या आप इसको लाइट पैरेट कह सकते हैं। बहुत ही कम मिकदार में मैं अपने क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया। और अब मैं लगा रही हूँ पर्पल शेड, ये थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लिया है और इसको हम थोड़ा डार्क में लेंगे और बाकी का जो हिस्सा बच चुका है उसके ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश के साथ हैंड खूब सॉफ्ट रखते हुए हमने करना है। और अब मैंने कॉर्नर पे थोड़ा सा पिस्ता कलर जो है उसको डार्क किया है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बहुत कम मिकदार में मैंने लेके उसको थोड़ा सा डार्क किया ताकि हमारा मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा वाजिया हो। तो अब दोनों कलर्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आईज़ के नीचे सेम मैं वही कलर लगाऊंगी जो मैंने अपने आईज़ के नीचे लगाया था, लोअर लैश के नीचे सेम मैं वही कलर लगाऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपको मेकअप पसंद आएगा और ये ख़ुद आप कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 बार खुद ट्राई करेंगे तो आप खुद बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ग्लिटर, बहुत ही कम मिकदार में मैंने लेके ग्लिटर अपनी आईज पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं। अब मैं अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी, वाइट हाईलाइट के साथ मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है और इसी तरह मैं इनर कॉर्नर पर भी हाईलाइट लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूंगी। इससे आईज़ खुली खुली सी लगती हैं और मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। अब मैं अपने फेस पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास है मिस रोज़ का लाइनर और ये मार्कर लाइनर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइनर है, आप बहुत आसानी से इसको अपनी आईज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। और
और सेम इसी तरह अब मैं दूसरी एज पे भी अप्लाई करूँगी। और मैंने कोई विंग वगैरह क्रिएट नहीं किया, बिल्कुल सिंपल ही मैं लाइनर लगा रही हूँ और बहुत ही कम, क्योंकि मेरी आइज़ पहले ही मोटी हैं और अगर इसको मैं बाहर निकालूंगी तो मेरी आइज़ और ही ज़्यादा लंबी और मोटी लगने लगेंगी। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो आप ज़रूर वही लाइनर यूज़ करें जो कि आप आइज़ से थोड़ा सा बाहर निकालें ताकि आपकी आइज़ मोटी मोटी सी खुली खुली सी लगें और आपका फुल लुक चेंज हो। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा है मेरे पास मिस रोज़ का और ये बहुत ही अच्छा है, हमारी लैशेस को थिक एंड लॉन्ग करता है। अगर आपकी लैशेस छोटी हैं और आप फेक यूज़ करना चाहती हैं तो आप यूज़ कर सकती हैं, मेरी पहले से ही थिक एंड लॉन्ग है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इसी तरह मैं अपने लोअर लैश पर अप्लाई करूँगी। अब मैं अपने फेस को कंटोर करूंगी। कंटोरिंग है मेरे पास क्रिस्टन की और इसको मैं बहुत कम मकदार में लेके इसको कंटोर करूंगी। अब मैं ब्लशन अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास है मिस रोज़ के ब्लशन पीची शेयर, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल से, तो उनको मैं अप्लाई करूंगी। और इसी तरह से मैं ये कंटोर कर रही हूँ अपने फेस के नीचे ताकि मेरा फेस थोड़ा गोल लगे। और अब मैं अपने फेस पे थोड़ा सा हाईलाइट अप्लाई कर रही हूँ वाइट। इसी तरह मैं नोज़ को भी हल्का सा कंट्रोल करते हुए उसके बाद ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट लगा लिया है और इसी तरह मैंने अपर लिप के ऊपर भी हाईलाइट लगा लिया है। और अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ अपने होंठों पे और ये लिपस्टिक हुदा ब्यूटी की है और ये बहुत अच्छी है, आप कुछ भी खाएं पिएं ये उतरने वाली नहीं है, तो ये बहुत ही प्यारी शेड है। तो इस तरह से आप घर में बहुत आसानी से अपना मेकअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।